यूपी में शिक्षा व्यवस्था का सच क्या है, इसका एक नमूना दिखा बलिया में। बच्चे तो बच्चे, मास्टर साहब भी सन्नाटे में दिखाई दिए। इसी पर पेश है बलिया से ये खास रिपोर्ट। किसने किया शिक्षा का बेड़ा गर्क? क्यों अंधेरे में घिर गया देश का भविष्य? सुविधा लेने में आगे तो पढ़ाने में पीछे क्यों है शिक्षक? कौन लेगा बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी? कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं जब श्रावस्ती में सीएम के सामने स्कूलों की पोल खुली। बच्चे किताब से एक अक्षर तक नहीं पढ़ पाए। मुख्यमंत्री गुस्साए और बीएसए शिक्षकों को फटकार लगी। अब जरा बलिया के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें भी देखिए, कैसे यहाँ आम एप्पल बन जाता है और पीला रंग ग्रीन। अगर आप इन तस्वीरों को देखकर सिर पकड़कर बैठ गए हैं, तो हम कहेंगे जरा रुकिए, क्योंकि अब महीनों और सप्ताह के दिनों की जो स्पेलिंग आपके सामने आने वाली है, वो यकीनन आपने पहले नहीं देखी होंगी। और हाँ, ये स्पेलिंग लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि शिक्षक महोदय हैं। अब जरा गुरुओं के सामान्य ज्ञान को भी परख लिया जाए, तो सुनिए सवाल और उनके अजीबो गरीब जवाब। थर्सडे का स्पेलिंग बताइए। थर्सडे का? हाँ। TH RDAY थर्सडे। ट्यूजडे का बताइए। ट्यूजडे का TUD। भारत में कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? नहीं मालूम। जब इस संबंध में अपर जिलाधिकारी से बात की गई, तो यहां से वही जवाब मिला जो ऐसे मौकों पर अक्सर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि हथौज में इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है, इसकी जांच कराई जाएगी, जो दोषी है कार्रवाई की जाएगी। बलिया जिला पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का गृह जनपद है, जहां अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने शिक्षकों की फौज तो खड़ी कर दी, लेकिन शिक्षा को सबसे निचले स्तर तक पहुंचा दिया। और अमूमन यही हाल राज्य के हर जिले का है। बलिया से मुकेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।